ये तो इस अमेंडमेंट की है, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैंडिडेट जैसे ही आएगा उसमें पहले अपना रोल नंबर देगा। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर यहाँ से डालता हूँ, सी एन एस ही डालेगा। जैसे सबमिट करेगा तो उसका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, सी एन आई सी, पोस्ट और रोल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसका साथ पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे नीचे, जो भी हम लिखेंगे उसकी इंस्ट्रक्शन के बाद वो एग्री करेगा तो आगे उसका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं एग्री करता हूँ तब ये साथ रोल नंबर आ रहा है इसका, ये टाइम स्टार्ट हो गया इसका। और यहाँ से मैं क्वेश्चन 1 to 10 आ रहे हैं, मैं अटैम्प्ट करके नेक्स्ट किया हूँ। पिछला जो किया है वो ग्रीन हो गया, जो करंट पे वो रेड है जो किया है। और ये मैं नेक्स्ट कर गया, इसको मैं स्किप करना चाहता हूँ तो ये स्किप का बटन मैंने प्रेस किया तो वो देखिए उसका कलर जो है बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कलर में है वो, यानी कि पेंडिंग पड़े हैं अभी सारे क्वेश्चन आगे पेंडिंग पड़े हैं। ये अभी रेड वाला करंट क्वेश्चन है आपका, ये किया मैंने, इसको नेक्स्ट किया है, इसको भी मैं स्किप करता हूँ, इसको भी स्किप करता हूँ और ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, ये अटैम्प्ट करता हूँ। ये फिनिश का बटन आ गया, अगर फिनिश करना चाहता हूँ फिनिश हो जाएगा, ना अगर बैक पर मैंने जाना है या किसी क्वेश्चन में जाना है तो मैंने इसको मैं करके यहाँ पे इसको करके तो ये नेक्स्ट पे आ गया हूँ। तो देखिए कलर उसका वो हो गया ग्रीन वापस। 6 को मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, 7 कर दिया था, 8, 9, 10 करके फिनिश किया। फिनिश करने लगा मैं टाइम से पहले, तो ये इसको रिजल्ट पेज पे इसको ले जाएगा। 2 of 10 इसके टोटल मार्क्स है, 5 इनकरेक्ट आ गए, 3 नॉट अटेम्प्टेड आ गए और 2 उसके करेक्ट आ गए आंसर।